हेलो एवरीवन, दिस इज मनीष गोपलानी, आपका बी फॉर बिहान पांडे। तो आज आप लोग आए हैं यहाँ मेरे बैग में ताक झाक करने। तो आइए आपको मैं बताता हूँ मेरे बैग में क्या क्या स्पेशल मैं लेकर आता हूँ। ये एक छोटा सा बैग है, इसमें बैग में काफ़ी बैग्स हैं, कुछ नहीं है, ग्लेयर्स हैं। ये टी है जो स्पेशल कहाँ से लेके आए सर? हमारे डायरेक्टर सर ले दार्जिलिंग से लेकर आए हैं मेरे लिए, उनको पता है मैं बहुत चाय पीता हूँ इसलिए। गिफ्ट इट्स अ गिफ्ट, सर ने दिया है, मैं कल दिया था लेकिन मैं निकालना भूल गया इसलिए बैग में रह गया। और ये वेट वाइप्स, नथिंग एट सच, कुछ फ्रूट्स कभी कभी खा लेता हूँ मैं। चार्जरों की दुकान है क्योंकि फ़ोन और मल्टीमीडिया के सामान इतने सारे हैं। ये स्पीकर है मेरा छोटा सा जिसमें मैं गाने सुनता हूँ सारा दिन। और कुछ नहीं है, बस कुछ डायरीज है मेरी और फेस वॉश एंड ऑल का एक ही अलग सेशन का वो है। अच्छा, ये भी तो हम आपके जो फैंस हैं वो ये भी देखना चाहेंगे, मनीष यूज क्या करते हैं फेस वॉश क्रीम वगैरह? मुझे डॉर्मेट से मिली हुई है, वही यूज करता हूँ मैं। मनीष वो सामान दिखा है तो क्लोज करता हूँ। दिस इज माय फेस वॉश जो मुझे डॉर्मेट से मिला है। और एज सच कोई क्रीम्स हैं नाइट में क्रीम लगा के सोने के हैं वो सब तो होती हैं, बाकी वैसे नॉर्मली मैं क्या यूज़ करता हूँ वो सब इसमें है। यहाँ सेट पे हम लोग जो रखते हैं मैक्सिकली बालों के लिए, ये ऑसिस का वैक्स है और ये क्रीम है, हेयर क्रीम, सनस्क्रीन और फेस वॉश। इससे पहले मैं जो निविया के यूज़ करता था उसके छोटे छोटे पैकेट्स, छोटा पैकेट बड़ा था हमारा। डॉक्यूमेंट्स, एग्रीमेंट्स और जो भी पेपर्स साथ में रखने चाहिए गाड़ी के एंड ऑल सब इसी में। मनीष किताब पढ़ने के कितने शौकीन हैं? किताब पढ़ने का मैं बहुत शौकीन हूँ, मुझे पढ़ना और नॉलेज बढ़ाना बहुत पसंद है, इसलिए कभी कभी जब भी कोई भी किताब हाथ में आती है तो मैं पढ़ता हूँ उसको। जैसे अभी रैंडमली ये बताया मैंने आपको, आई हुई है हाथ में तो अभी ये पढ़ रहा हूँ। बहुत पढ़ने का शौक है, लाइक नॉलेज बढ़ती है मेरे लिए तो पढ़ता ही रहता हूँ। फेवरेट राइटर ऑफ कोर्स चेतन भगत भी हैं, उनको भी काफ़ी मानता हूँ मैं। और बेसिकली मैं उससे ज़्यादा वो पढ़ता हूँ थिएटर के जो प्लेज होते हैं, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट आजकल भी थिएटर में बहुत है। जैसे बाबूजी पगल वाले रूम में ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक्स लेकर आते हैं, प्लेज लेकर आते हैं, तो मैं उनके पास भी बैठकर पढ़ता रहता हूँ। कभी वो और मैं पढ़ते रहते हैं। आजकल अभी रिसेंटली हम लोग मंटो पढ़ रहे थे तो वो है, और गांधी जी की बायोग्राफी उससे पहले पढ़ी थी मैंने, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक्स हैं जो पढ़ता रहता हूँ रैंडमली कभी कभी। तो ऐसे कुछ स्पेशल नहीं है कि यही इसी की पढ़नी है या कुछ कुछ भी, सारे सब कुछ पढ़ता रहता हूँ मैं बस। अच्छा मनीष, गर्मी काफ़ी है। हाँ, तो गर्मी के लिए क्या क्या? गर्मी के लिए मैं ऐसे वेट वाइप्स ही हैं फेस के लिए, बाकी तो 24 आवर्स हम लोग यहाँ एसी में हैं, गाड़ी में एसी में हैं, घर में एसी में हैं, तो बस जूस जो अभी तो फिलहाल नहीं, यहाँ मैंने आइस बॉक्स में रखा हुआ है। जूस अपने साथ रखता हूँ, फ्रूट्स अपने साथ रखता हूँ, पानी ऑफकोर्स अपने साथ रखता हूँ हमेशा 24 आवर्स। और गाड़ी में भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो चलती रहती हैं मेरे साथ साथ। अच्छा माय गॉड, अभी अभी ये मेरे खास जानी ने मंगवाए हैं मेरे लिए स्पेशल ये हैं। बैग्स में बैग्स मिलेंगे आपको, बैग्स में भी बैग हैं, बहुत सारे बैग्स हैं, बैग्स में भी बैग्स हैं। इसमें मेरी डायरीज हैं, परफ्यूम है और ये सब तो है ही, मल्टीमीडिया जो भी टूटने वाली चीज़ें हैं वो स्पेशल अलग बैग में है। दूसरे फ़ोन्स हैं और लेंसेज हैं, एक ये बहुत प्यारा गिफ्ट है मेरा जो हमेशा मेरे साथ रहता है, ये घड़ी मेरे भाई ने दी थी मुझे, उसको पता है मैं थोड़ा लूज चीज़ों का शौकीन हूँ, तो एक इतनी बड़ी चैन उसके बीच में ये घड़ी है। तो ये मेरे भाई का गिफ्ट है, वक्त को साथ लेके चलने के लिए उसने दिया।
और मतलब इस पिटारे में और भी कुछ है या बहुत कुछ है, बहुत मतलब राज की बातें हैं जो मैं वक्त आने पर धीरे धीरे सबके साथ शेयर करूंगा। और डायरीज हैं और ऐसा कुछ नहीं है, छोटी मोटी डायरीज हैं जहाँ मैं थॉट्स लिखता रहता हूँ कभी कभी बैठा बैठा। ये चार्जर्स, कनेक्टिंग केबल्स और तो डॉक्यूमेंट्स ही हैं सारे मेनली। फिलहाल इतना ही। अच्छा मरीज, इसमें खाने का डब्बा कहीं नहीं चाहिए? खाने का डब्बा एक्चुअली बाहर से ही मंगाता हूँ। मेरे घर में मैं सुबह मॉर्निंग अर्ली का टाइम है और हमारी जो आती हैं दीदी मेड जो घर पे आती हैं वो 12 बजे बाद आती हैं, तो मेरा जब भी जल्दी आना होता है तो मैं घर से तो ला नहीं पाता, तो हम लोग यहीं से बॉक्सेट से या फिर माय किचन से ऑर्डर करते हैं, मैं और हमारे कुछ टीम के साथी हैं जो हम सब यहीं उसी से करते हैं। अदरवाइज़ पूरी पूरी कास्ट लेके आती है, जो जो घर से लेके आता है हम सब मिल बांट के खाते हैं। खासकर मैं और मैं हमारे जो संजय भाई हैं उनके घर का खाना बहुत ही टेस्टी आता है, तो सबसे ज़्यादा मैं उन्हीं के साथ बैठता हूँ खाता हूँ। बाबूजी भी कभी कभी खुद घर से बना के लाते हैं तो वो हम लोग शेयर करते हैं, तो ऐसा मतलब मैं घर से लाता नहीं हूँ लेकिन घर का ही खाता हूँ। ये भी एक बहुत स्पेशल चीज़ है मेरे लिए, मतलब एक फ़ैन ने और एक फ्रेंड ने, फैन कम फ्रेंड है मेरा, बहुत जानकारी है मेरा, उसने गिफ्ट किया मुझे कि बोला तू बिहान पांडे में जब भी गुलेल चलाता तो ये गुलेल चलाना, स्पेशली पता नहीं कहाँ से खरीद के आया, वो बनवा के आया स्पेशली उसने कहा है। सच में मुझे बहुत पसंद आई ये गुलेल, मेरी लाइफ में मैंने पहली बार ऐसी कोई गुलेल देखी है। अदरवाइज मैं तो दो हमेशा दो स्टिक्स देखता था ऐसे, बीच में से रबर था, बट ये थोड़ी स्टाइलिश है। ये भी एक बहुत स्पेशल है जो मैं चाहता हूँ कभी भी अब बिहान का कभी भी सीन आएगा तो मैं अपनी गुलेल निकाल के लेके जाऊँगा, मैं इससे करूँगा। अपने फैंस को यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों का प्यार और आप लोगों का सपोर्ट मुझे बहुत मिल रहा है, और ये सब सब मतलब मैं क्या सोशल साइट सब गवाह है इस बात की कि आप लोग उससे कितना प्यार कर रहे हैं, कितना पसंद कर रहे हैं इस कैरेक्टर को, बिहान को जो मैं अभिनय कर रहा हूँ। तो बस इसी तरह प्यार करते रहिए, इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। मैं भी कोशिश करूँगा कि जो मुझे पोर्ट्रे करने के लिए कहा जाएगा, आई मीन जो राइटर्स हमारे चाहेंगे आप लोगों को दिखाना, मैं पूरी से पूरी कोशिश करूँगा उसको अच्छे से अच्छे और बेहतर तरीके से आप लोगों को दिखा पाऊँ और बस आप लोगों को कनेक्ट कर सकूँ। थैंक यू सो मच। हाय, मैं हूँ बी फॉर बिहान पांडे, आपका मनीष गोपलानी। प्लीज़ सब्सक्राइब ई4यू न्यूज़।